Hey guys, welcome to our channel, the physics coaching. Hum pad rahe hain quantum mechanics. Quantum mechanics ke fourth class hai. To abhi tak teen class nahi dekhi hai, to jaake dekh lo. Aur aaj ki class ki PDF aapko hamare Telegram group pe mil jayegi. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं. आज तक की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी. तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, या आप अबाउट सेक्शन में जाके, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते थे. आज हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में. वेव फंक्शन है क्या? वेव फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमको क्वांटम सिस्टम के अंदर पार्टिकल की स्थिति या उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है. अब क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट तो हो गया. आइंस्टीन ने अपना रूल दे दिया, बोर ने दे दिया, क्वांटम इफेक्ट आ गया. लेकिन बहुत बड़ी समस्या यह थी कि क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ कैसे करें, उसको मैथमेटिकली रूप से कैसे समझाएं. तो उस समस्या को दूर करने के लिए वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया. तो वेव फंक्शन हमें क्या क्या बताता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे. वेव फंक्शन के क्या क्या फायदे हैं, वेव फंक्शन हमें क्या क्या बताता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो वेव फंक्शन का पहला पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक सिस्टम. ये क्या करता है? क्वांटम मैकेनिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. और क्या? एंड कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम. और सिस्टम के बारे में सारी जानकारी हमको प्रोवाइड कराता है. साई, इसे हम साई प्रोनाउंस करेंगे, तो हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ड्यू टू बी कॉम्प्लेक्स. यानी कि जो साई है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका फिजिकल कोई महत्व नहीं है. साई डिस्क्राइब्स द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल. साई क्या करता है? पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. ठीक, अब हम वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि पर्टिकुलर पार्टिकल इन क्वांटम सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो है कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है. तो इसको हम प्रोबेबिलिटी से फाइंड करते हैं. ठीक है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द पर्टिकुलर पोजिशन एट टाइम टी. टाइम टी इज इंपॉर्टेंट. ठीक, प्रोबेबिलिटी को हमने क्यों काउंट किया? क्वांटम सिस्टम बहुत छोटा होता है. ठीक है, और जब जब हम क्वांटम सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लो हम किसी पार्टिकल सिस्टम की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं. ठीक, तो पोजीशन फाइंड करेंगे तो हर क्वांटम मैकेनिक्स का एक सीधा सा रूल है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हर बार हमें अलग डाटा प्राप्त होगा. क्योंकि जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं
क्वांटम जो इनिशियल स्टेट है क्वांटम सिस्टम की, वो खोकर अलग स्टेट में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंटों से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी ये सब निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कैसे? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी साई का नॉर्म डॉट डीएक्स, ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, अनडाइमेंशंस हो सकती है। साई की डायमेंशंस क्या है, 1/ डिस्टेंस टू पावर एन, ये क्या है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए यूनिट ये है, 1/ डिस्टेंस टू पावर एन। यूनिट ऑफ वेव फंक्शन, साई की यूनिट क्या होगी, जब नॉर्म का वेव फंक्शन, नॉर्म का यूनिट क्या है, 1/ डेंसिटी डिस्टेंस टू पावर एन, तो ओनली साई की क्या होगी, 1/ डिस्टेंस टू पावर एन बाई टू। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन। ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन इज साई स्टार इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेस साई स्टार साई आर टी, ये एवरी फंक्शन ऑफ साई इज डिपेंडेंट ऑन आर एंड टी नॉर्मल इन जनरल, इनटू डी टी, डी टी इज ऑल स्पेस वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू डेल आई जे, इफ आई इक्वल टू जे देन डेल इक्वल टू 1, दिस इज फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और इफ दिस इज नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे देन दिस इज इक्वल टू ऑर्थो नॉर्मेलिटी, और डेल्टा इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम ऐसे कोई वेव फंक्शन को किसी क्वांटम स्टेट का फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस है। तो वो कंडीशंस क्या है, साई शुड बी फाइनाइट, दैट इज एग्जाम्पल है ए, ए क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ई टू पावर प्लस माइनस माइनस आईटा के एक्स और साइन के एक्स, ई टू पावर माइनस के मोड ऑफ एक्स ए टी सी, ये कुछ जनरल आपको देखने के मिलेंगे वेव फंक्शंस। दूसरा पॉइंट ये है, साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड, दैट इज पॉलिनोमियल नेक्स्ट पॉइंट, साई शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि साई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, कहीं से भी क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन है ये यहाँ तक, फिर यहाँ तक चलने के बाद ये यहाँ से और ये यहाँ से टूट गया, फिर ऐसे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए,
finite and single valued. Zero point. Derivative of the psi should be finite and single valued. यानी कि मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ. यानी कि ये जो कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं, ये जब हम डेरिवेट इसको करेंगे तो इस पॉइंट पे ये टॉप पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. यानी कि ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा. तो इस पॉइंट के लिए अपन कह नहीं सकते कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है. तो ये डिसकंटिन्यूट हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस, यानी कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. और जो साई है वो उसकी शार्प एजेस क्या नहीं होनी चाहिए, शार्प नहीं होनी चाहिए, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट ये है, डेरिवेटिव ऑफ साई शुड भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, जो मैंने अभी अभी बताया आपको ना. और इफ पोटेंशियल इज फाइनाइट नॉन रिजिड चेक कंटिन्यूटी. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम विच पोजिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम. यानी कि जहाँ वो डिस्टेंस जहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम. तो उसे क्या कहेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू साई स्टार एक्स टी. साई एक्स टी इक्वल टू साई एक्स टी नॉर्म इक्वल टू मैक्सिमम. ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू. सपोज हमने कोई रीजन ले लिया. रीजन क्या लिया हमने, हमने रीजन लिया कि हमारा पार्टिकल इन दो पॉइंटों के बीच है. इसको x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, ठीक है. अब इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों के बीच है कहाँ पार्टिकल, इन दोनों के बीच कहाँ हो सकता है. तो इसके लिए हम एक क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू. तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज साई एक्स वन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन टू एक्स टू साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स अपॉन ऑल स्पेस इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स फॉर नॉर्मलाइजेशन. यानी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन फंक्शन को कैसे करते हैं, साई स्टार साई डी एक्स या फिर जो भी डायमेंशन है वो इक्वल टू वन. अगर ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे. एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मान लो किसी ऑपरेटर के अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डिटो अपॉन साई स्टार साई आर टी साई आर टी डिटो. अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का
मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब यह है कि हम हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, हम सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट डाटा को बार 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 करने के बाद हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पेज से। अब किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी डायनेमिक प्रॉपर्टी, डायनेमिक फंक्शन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर इज इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज पी कैप एक्स इक्वल टू माइनस आइटा एचकल डेल अपॉन डेल एक्स, दिस वन। फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए हमने क्या ऑपरेटर निकाला? टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर इज डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये एक्स की जगह फिर आप वाई भी ले सकते हो। इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन में एक्स वाई, वाई भी आ जाएगा और थ्री डायमेंशन में जेड भी आ जाएगा। तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओके, दिस आर, दिस इज इक्वल टू जे डेल डेल स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑपरेटर, वेलोसिटी के ऑपरेटर के लिए हमने क्या निकाला? पी कैप अपॉन एम, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट अपॉन एम इंटू डेल। एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर इज माइनस आइटा एच कट अपॉन इंटू डेल अपॉन डेल टी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डेविएशन। तो डेविएशन, डेविएशन मीन्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मीन या एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यानी कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे अपने को डेविएशन किस रेंज में मिलेगा? एवरी टाइम हमको एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होती, उससे कुछ ज़्यादा कभी कम, कुछ ज़्यादा कभी कम। तो उस डेविएशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? डेल ए, ए इज ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। वेरियंस इज इक्वल टू डेल ए स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डेल्टा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लेन वेव टाइप वेव फंक्शन। प्लेन वेव टाइप वेव फंक्शन मीन्स साई इक्वल टू ए ई टू पावर आइटा के एक्स इक्वल टू ई टू पावर आइटा पी एक्स अपॉन एच कट। ओके, यू नो पी इक्वल टू एच कट के, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू पी अपॉन एच कट, दिस इज दिस। नाउ ए इफ साई इज आइगन फंक्शन, देन इफ साई इज आइगन फंक्शन देन डेल्टा ए स्क्वायर इज जीरो।
If psi is not an eigen function, then delta A to whole square is not equal to 0. Next point पे चलते हैं. Next point is Gaussian function. Gaussian function is psi g equal to 1 upon under root 2 pi sigma square x exponential of minus of x minus expectation value of x to whole square upon sigma square into 2 sigma square. Sigma is variance. Okay. What is uses of Gauss function? To calculate expectation value psi, wave function, complex, compare with psi g या psi g norm square. हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन, हमारे पास कोई वेव फंक्शन होगा, उसको किससे कंपेयर करेंगे? गाउसियन फंक्शन से. टू कैलकुलेट वेरिएंस यानी कि सिग्मा, गिव साई, कंपेयर विद नॉर्म ऑफ जी साई, साई जी. डिराक मेथड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम बाउंड स्टेट या इन ए स्टेट विद रियल फंक्शन इज ऑलवेज 0. Expectation value of momentum in bound state या in a state with real function. Real function का expectation value हमेशा क्या होगा? 0. To calculate P, expectation value of P, momentum, give psi, compare with plane wave type wave function. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द गिवन वेव फंक्शन. इस वेव फंक्शन से हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है. तो साई क्या है? साई एक्स इक्वल टू एन ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आईटा के एक्स. नाउ दिस इज रियल पार्ट. So P1 equal to 0. This is imaginary part compared with A psi eta kx. Now P2 is h cut of k. Now total P equal to P1 plus P2. Now we can calculate E. E equal to P square by 2m. We put the value of P and calculate the energy of expectation value of energy. क्या हो जाएगी? Just a second. Expectation value of energy E. Just यहाँ लिख देता हूँ. Expectation value of P upon 2m और इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स, कुछ इंटेग्रल्स जो हमको काम आएंगे वो हैं. पहला इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिट e टू पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एन प्लस वन. दूसरा है 0 टू इन्फिनिट e टू पावर माइनस गामा एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर गामा एन डी एक्स. दिस इज गामा एन प्लस वन अपॉन टू इंटू अल्फा एन प्लस वन अपॉन टू.
थर्ड इज माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट e टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा e टू पावर बीटा स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज मिनिमम फॉर गाउसियन वेव फंक्शन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन टू। नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स टू होल स्क्वायर दैट इज एंड सिमिलर डेल्टा पी टू होल स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी टू होल स्क्वायर। इफ डेल्टा डेल्टा एक्स इज नोन देन डेल्टा पी कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेशन वन फॉर गाउसियन टाइप वेव फंक्शन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज वो क्या है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ए पेयर ऑफ कैनोनिकल कंजुगेट डायमेनिकल वेरिएबल साइमल्टेनियसली एट आर्बिटरी एक्यूरेसी। यानी कि एच यू पी का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम एक साथ किसी भी डायनेमिक सिस्टम की दो कंजुगेट वेरिएबल्स को एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसका मतलब मान लो हमारे पास हमें पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो हम मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम एनर्जी और टी को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। जब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा जो क्वांटम सिस्टम होता है वो लगभग 10^-15 मीटर रेडियस का होता है और इसी रेडियस की अगर हम वेवलेंथ या इसी वेवलेंथ की अपन रेडिएशन डालें टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम तो उसकी एनर्जी बहुत बहुत हाई हो जाएगी यानी कि वो गामा रेज में आएगी। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी से क्या होगा जो सिस्टम है वो अपना अस्तित्व इनिशियल स्थिति खो देगा और वो किसी अन्य स्टेट में चला जाएगा यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। तो हम उनकी एक्यूरेसी को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। नाउ द एच यू पी रिलेशंस आर फर्स्ट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन एच कट अपॉन टू सेम एज डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन टू डेल्टा क्यू डेल्टा एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन टू। फॉर गाउसियन फंक्शन दिस इज वी कैन बी ऑब्टेन फॉर अदर फंक्शन वी ऑब्टेन दिस एप्लीकेशंस। What is applications? Calculate of ground state energy of bound system. हम क्या कर सकते हैं bound state, ground state energy याद कर सकते हैं bound system की। Non existence of electron inside nucleus. यानी कि electron क्या होने electron nucleus के अंदर नहीं होता इसकी
पुष्टि कर सकते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट बोहर रेडियस, हम पहली बोहर की जो रेडियस है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्पेरल विड्थ एंड लाइफ टाइम ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी कि हम लाइफ टाइम निकाल सकते हैं और स्पेक्ट्रल विड्थ निकाल सकते हैं। डेल्टा लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू या लेस देन डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू या ग्रेटर देन लेमडा स्क्वायर अपॉन 4πc डेल्टा टी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अराइज ड्यू टू वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। अब श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक टाइम डिपेंडेंट एक टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? पोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टेशनरी स्टेट्स। और टाइम डिपेंडेंट का मीन पोजिशन डिपेंड ऑन टाइम, यानी कि पार्टिकल मूव। अब इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दी कि माइनस अर्थकट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई इक्वल टू ई साई आर। ई क्या है? कांस्टेंट, जो कि है उस सिस्टम की या उस पार्टिकल की एनर्जी, उस स्टेट की एनर्जी। माइनस अर्थकट फॉर टाइम डिपेंडेंट माइनस अर्थकट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई आर इक्वल टू ई साई आर टी। ई ऑपरेटर इज माइनस आइटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट वेव फंक्शन एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक, एग्जाम्पल इज हमारे पास क्या है? एक साई है, एक वेव फंक्शन है ए ई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स फोर इज एगन फंक्शन ऑफ ए वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑफ एगन वैल्यू ई बराबर जीरो। द पोटेंशियल वेक्स, तो पोटेंशियल ज्ञात करना है एच इक्वल टू टू एम इक्वल टू वन। ओके, तो निकालते हैं। हमारे पास क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज माइनस एचकट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स वी साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। ई इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू वन, टू एम इक्वल टू वन, तो दिस इज इक्वल टू वन एंड वी कैन राइट इट एज दिस। नाउ वी क्या करेंगे? डबल डेरिवेट करेंगे किसको? फंक्शन को, साई साई एक्स को। तो जब हम डबल डेरिवेट करेंगे इसको तो हमारे पास ये आएगा, वो है दिस माइनस 12x² ए ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ टू होल स्क्वायर। This is equal to minus of v psi x. Now a e to power minus x square x to power 4 is common. Then we left x, so 16x to power 6 minus 12x to power 2, and this is equal to v a e to power minus x to power 4. This is cancel and we left with v equal to 16x to power 6 minus 12x to power 2. Okay, that's all for guys. Video pasand aaya
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, जो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको वहाँ लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।